आपकी सिस्टर की शादी कब हुई थी? 4 साल 5 साल नहीं मिला उस शादी का पैसा। वो किसी योजना के अंतर्गत हुई थी? यही हुई थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो उसका पैसा अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला उसका पैसा। तो आपने कलेक्टर को बताई ये वाली बात? हाँ बताई थी कलेक्टर को, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहती है। कोई नहीं सुनना आपकी? कोई नहीं सुनना मेरी। यहाँ पे आई हूँ, ये शिकायत पत्र दिया है मुझे जिसमें लिखा है कि तेरे पापा 60 साल के, इसलिए तो इस शादी के लिए कोई सहायता नहीं मिलेगी। मेरा 60 साल के शादी के लिए कोई सहायता नहीं मिलेगी? इसमें जो भी प्रशासन से सहायता मिलती है वो तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पापा की उम्र 60 साल हो चुकी है। इसलिए पहले पैसे नहीं मांग रहे साहब। 19 तारीख की शादी थी तो उन लोगों ने सरपंच ने वगैरह सब ने कैंसिल करवा दी, जो कहीं उसमें शादी में सम्मेलन में शामिल होना। तो मैंने कहा भैया कैंसिल है मेरी शादी में, उसके साथ शामिल। तो शादी घर में कर रहे थे तुम? घर पे कर रहा था मैं। तो तुम्हारी लड़की की क्यों कैंसिल करवाई उनने? क्या 19 तारीख को करेगा, इसके बाद में जो सरकारी सम्मेलन में करेगा तो तुमको सहायता मिल जाएगी, इसलिए जब 19 तारीख की कैंसिल कर। 19 तारीख को सहायता नहीं मिल रही थी? नहीं, वो घर पे कर रहा था मैं। 19 तारीख कौन सी? 19 जब 19 जनवरी में। अरे तो फिर सम्मेलन में करना चाह रहे हो? सम्मेलन में करना चाह रहा हूँ। सम्मेलन की बताया ना उन्होंने? सम्मेलन ने बताया कि 4 महीने बाद उसकी तुम्हारी डेट आएगी जब तुमको हम जो सहायता मिलेगी। तो फिर 3,000 रुपये टेंट के कट जाएंगे, 2,000 रुपये खाना खर्चा कट जाएंगे और 2,000 रुपये कपड़े के कट जाएंगे। इसके बाद बचेगा तुम्हारा लड़की को परेशान क्यों? मैं बता रहा हूँ, उसने फिर कल मेरे को नोटिस भेजा है। क्या नोटिस भेजा? उसने नोटिस भेजा है कि तुम 60 साल की उम्र हो चुकी है, तुमको इसलिए खुश है।